All right, hello beautiful people. I hope you're in your life. Welcome back to my channel. It's your boy Harsh PK. So guys, रात के एक बज रहे हैं और अभी मैं सोया नहीं हूँ. अभी मैं जस्ट अपने रूम में ही आया था, नीचे से फेस वॉश वगैरह करके. सो देखा मैंने कि मेरा सामान पूरा इधर से उधर है, रूम पूरा मैसी हो रखा है, कोई भी सामान नहीं मिलती मुझे. कल भी मैं जिम जा रहा था तो सुबह मुझे एयरपोर्ट्स नहीं मिल रहे थे, मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे थे. सो अभी सोच रहा हूँ कि आज सैटरडे नाइट है तो कल संडे है, आराम से उठ सकते हैं. सो अभी मैं देख रहा हूँ कि होता है तो घर की साफ़ सफाई करते हैं, थोड़ी सी सामानों को ढूंढते हैं, अपनी जगह रखते हैं. और मैंने अभी तक वो शू भी नहीं उठाया जो उस दिन शूट कर रहा था वो व्लॉग, और तब के तब वहीं पड़े हुए हैं, पर क्या करें. सो अभी मैं वही सोच रहा हूँ कि अभी करते हैं हम लोग साफ़ सफाई और सारी चीज़ व्यवस्थित करते हैं और फिर सोते हैं. सो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सारे कपड़े हैं मेरे, ये काफ़ी टाइम से टंगे हुए हैं. मम्मा ने 4-5 बार बोल दिया मुझे कि इनको उतार लो वरना इन पर धूल जम जाएगी. बट ये तो ब्लेजर्स वगैरह हैं, इनको तो इतना कुछ है नहीं, बाकी शायद उतार दिए हैं. तो इनको तो अपन छोड़ते हैं अभी, इनको कल करेंगे क्या करना है. शू वगैरह, शू लेके आते पहले बाहर. सब सो गए इसलिए मैंने लाइट भी ऑफ कर रखी है. तो शू को रखते हैं अपनी जगह, इनको अंदर रखे या नहीं. यार इन पे जैसे धूल जमी है, इस पे भी धूल जम जाएगी वरना साइलेंटली, वरना जाग जाएंगे. इनकी धूल कैसे हटा है यार, था नीचे से फ़ोन कट गया है. ये कुछ मेरी ऐसी सीरीज वॉच वगैरह है जो इससे जमाना पड़ेगा. और भी सामान है, ये अब जाके सॉक्स मिले मुझे. ये जो आप देख रहे हो ये किचन है, मतलब पहले किचन था, मतलब अभी भी किचन ही है. बट मेरे घर में दो किचन है, एक किचन नीचे वाले पे है और एक इस वाले फ्लोर पे किचन है. सो ये किचन हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि उसी किचन से काम चल जाता है. पापा ने बनवा दिया था एक्स्ट्रा कि वो बना रहेगा, सो इसलिए ये भी बना हुआ. तो अभी इसमें कोई यूज़ नहीं होता तो हमने इसको स्टोर रूम बना दिया है. इसमें आपको मैं अगर व्यू दिखाऊंगा 360 में तो आप ही बोलोगे क्या हालत है. सो ये वाला थोड़ा स्पेसिफिक लग रहा था मुझे तो मैंने इसी एंगल पे लिया है. सो बहुत सारा सामान है इसके अंदर और मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इधर उधर पड़ी हुई है, तो मैं यहीं ढूंढ रहा हूँ. मम्मा ने बोला जाके देख ले, ऊपर होगा तो मिल जाएगा. सो अभी सॉक्स मिले हैं और इसके पहले ये मुझे एक बैग मिला था, हैंड बैग, जिसके अंदर मेरे काफ़ी सारे वॉलेट्स हैं, 2-3 वॉलेट्स रखे हुए हैं और कवर्स वगैरह है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर. सो देखते हैं इसको क्या क्या मिलता है इसके अंदर. एयरपोर्ट्स तो नहीं दिख रहे हैं मुझे बट फिर भी हम इसको देखते हैं और देख रहा हूँ मैं और कहीं और एयरपोर्ट्स मिल जाते हैं तो अच्छा है क्योंकि मुझे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो ढूंढते हैं, बाकी तो और पता नहीं क्या क्या मिलेगा. सो चलो बताता हूँ आपको. गाइस कपड़े इतने हैं ना कि बैग में रखने पड़ते हैं मुझे आधे. ये सारे ट्रैक सूट हैं 2-3, इसमें भी नहीं है और एयरपोर्ट रखे कहाँ मैंने. सो वन मोर थिंग मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या मिला. ये चाइल्डहुड के कुछ नोट्स हैं जो फेक नोट्स होते हैं, तो ये मैं पहले यूज़ करता था वीडियोस वगैरह में, बाकी अभी तो ये पड़े हैं. सो अच्छा हुआ मिल गए, अभी कुछ नया कॉन्टेंट निकलता है तो बनाते हैं इस पर. ये YouTube, इंस्टा, ये मेरे बर्थडे के बहुत अच्छे से क्रिएटिविटी करी थी. सो बाकी तो कुछ नहीं मिला, अभी यही मिला है. सो इसी में देखते हैं. कवर जी कवर है अधिकतर तो कवर को देखते हैं. जे कवर कवर बैठे बहुत टाइम बाद मिला ये इनको देखने का टाइम. क्या ये तो मेरा फेवरेट था, ये मैंने बहुत ढूंढा यार. और ये देखो कहाँ पड़ा हुआ है, कैसा लगा आपको ये? इसको यूज़ में निकालते हैं अभी. शिट, इसमें भी एयरपोर्ट नहीं है. पहले फ़ोन की चीज़ रख देते हैं कि ये सेफ अलग हो जाए. कवर हो गए, चार्जर बॉक्स हो गए, ये मेरे पुराने फ़ोन्स के अभी भी ये फ़ोन्स के बट मम्मा यूज़ करते हैं.
एक्सेस के हैं, तो बीच में रख देते हैं। ये स्क्रीन्स वगैरह होती है, पहले बहुत शौक था फोन्स के पीछे लगाने का, गिफ्ट मिली थी मुझे, सारी चीज़ें इसमें रख देते हैं। तो फ़ोन का सारा सामान हमने रख दिया है, अब ये वॉचेस और ऐसी सीरीज है, तो वॉचेस हैं इसको पहले अच्छे से रख देते हैं। ये वॉच है अरमानी की, जो दीदी ने गिफ्ट करी थी मुझे दुबई से लेके आए थे, तो इसका बॉक्स है स्पेशल, वापस यूज लेंगे। ये प्रमोशंस के लिए आई थी, बाकी स्पेशल वगैरह हैं, पैस हैं, वॉचेस हैं। ये वॉच मेरी टूट चुकी है, दोस्त ले गया था, तोड़ के लाते हैं सब। सो इसमें तो पेन ड्राइव्स हैं। सो ये छोटे मोटे सामान तो मैंने अपने जमा लिए हैं और इनको इनकी जगह पर रख देते हैं। ये बॉक्स तो मैंने रेडी कर दिया है, इसके अंदर मेरे वॉचेस और एक्सेसरीज वगैरह हैं। गाइस इनको इनकी जगह पर रख देते हैं, ये इनकी जगह नहीं है बट इनको यहाँ अच्छा लगता है। सो एयरबड्स तो नहीं मिले मेरे ना, एयरपोर्ट्स तो मैं डिटेक्ट कर लूँगा फ़ोन से, बट एयरबड्स भी मिल जाते तो काम हो जाता, बट वो एयरपोर्ट्स आए थे तो एयरबड्स मैंने फेंक दिए, कि मैंने आओ पड़े नहीं थे, आ गए नए, अब ये चलाएंगे। वो भी दीदी दुबई से लेके आई थी, सो देखते हैं, अभी तो कुछ मिला नहीं मुझे। बाकी कपड़े मेरे सेट हो चुके हैं, प्लस शूज़ वगैरह और जो छोटा मोटा सामान था वो सब भी मैंने सेट कर दिया है। बस बहुत टाइम हो चुका है, अब सोया जाए क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है। बाकी कल देखते हैं, चश्मे वगैरह सेट्स वगैरह मिले हैं मुझे, कुछ कुछ पुराने वॉलेट्स मिल गए हैं और बेल्ट वगैरह मिले हैं जो कि स्टोर रूम में कब से पड़े थे, और नए थे वो, बात ये कि वो नए थे। सो अभी तो बस इतना ही करते हैं और अब सोते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, इतना बहुत है, एक घंटा लगा दिया अपने ने, बट बहुत है। कपड़े सेट हो चुके हैं, जूते वगैरह रख दिए हैं और छोटा मोटा सामान है, फ़ोन की एसेसरीज वगैरह वो सेटअप कर दिए, और मेरी जो एसेसरीज हैं, ज्वेलरीज हैं, वॉचेज़ हैं, वो सब मैंने कर दिए। सॉक्स मिल गए, एयरपोर्ट्स नहीं मिले, उनको हम कल ढूंढते हैं। और बस आज तो इतना ही, ज़्यादा टाइम हो गया है। सो ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और फिर मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अनदर ब्लॉग कुछ बनाएंगे अच्छा सा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।